प्रथम तहलका न्यूज। टोहाना में 15 वर्षीय नाबालिग छेड़छाड़ पीड़िता का जब स्थानीय प्रशासन से विश्वास उठा तो पीड़िता ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और महिला आयोग को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें पीड़िता ने लिखा है कि 18 अगस्त 2020 को रात लगभग 3:30 बजे उसके घर में दो लड़के जबरदस्ती घुस आए, जिसमे से एक लड़के ने घर में आकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसकी गर्दन को बुरी तरह से मरोड़ दिया, जिससे उसे काफी चोटें आई। पीड़िता ने आगे बताया कि उसकी दादी के आने के बाद लड़के मौके से फरार हो गए और जाते हुए उसे धमकी देकर गए कि उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। पत्र में कहा गया कि इसके बाद वो शिकायत लेकर पुलिस के पास गई, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। लड़की की दादी और बुआ ने बताया कि उनके परिवार के साथ अन्याय होता आया है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो अपनी पीड़ा को लेकर जिला स्तर के अधिकारियों तक गए हैं। अब उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री और महिला आयोग को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला ये था जी, हमारे तो पता ही नहीं, मारे को तो रात सोए हुए थे 18 तारीख ने रात के 3:30 बजे हमारे घर घुसया और लड़की सोई हुई थी, उसको बदतमीजी करी, हाथ पल्ला मारा, उसने चिंगाड़ मारी तो रोला करया, तो मैं जागी, जाग खुल गई मेरी, और मैं पीछे थे लग गई हूँ, पीछे उसके वो भाज गया, एक छोरा और खड़ा था पीछे, उसकी पहचान नहीं आई, वो कहने लग गया जो आऊँगा दोबारा तो मुँह दिखाने जोगी नहीं था, ना को छोड़ूंगा। तो हम गए थाने में दरख्वास्त देन गए 19 तारीख ने, तो ना तो महला थाने वाले ने दरख्वास्त लई मारी, ना उसने लई सिटी थाने वाले ने, तो उसने बुला लिया सरपंच ने, तो बोले मैं बोली भी मारी दरख्वास्त लो। मैं इसकी बुआ हूँ लड़की की, तो ये मेरे को उनको फ़ोन करे, मैंने कहा अभी तो आप जाओ थाने में दरख्वास्त लिखाओ, एक गए कोई सुनाई नहीं हुई, मैं बाहर जा रही थी, मैं नहीं गई पर नहीं थी गांव में, मैं पहुंच नहीं सकी, मैं 2 दिन बाद में पहुंची हूँ यहाँ पर, दरख्वास्त नहीं लिखी, फिर किसी की रह ले कि इन्होंने दरख्वास्त लवाई बाहर से, फिर इन्होंने 8 दिन बाद में मेडिकल होया छोरी का, 8 दिन के बाद में हमने फतेहबाद भी गए हैं, उरे भी पेश हुए हैं, बयान भी हुए हैं छोरी के, सब कुछ होया जी, कोई सुनाई नहीं हुई, हमारी सुनाई होनी चाहिए, हम गरीब आदमी हैं, मेरा भाई नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, जे कल्ली रहें, 3 लेडीज हैं, 3 लेडीज घर में कल्ली रहें, भी हमारी पूरी सुनाई होनी चाहिए। लगभग 1 सप्ताह बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और 7-8 दिन बाद मेडिकल होने से शरीर के चोट के निशान मेडिकल में नहीं आए हैं। पत्र में मांग की गई है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री इस मामले में कब तक संज्ञान लेते हैं। प्रथम तहलका के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, मोबाइल नंबर 9878678629।